भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन महासचिव श्रीमान वी सतीश जी और पिछले दो दिन से गुजरात की और देश की स्थिति परिस्थिति का मूल्यांकन करने में जुटे हुए गुजरात प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण, शायद ही किसी प्रदेश की एक राजनीतिक दल की कार्य समिति को देश में इतना महत्व दिया गया होगा जितना इस कार्य समिति को दिया गया और वो भी स्वाभाविक है कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी से न सिर्फ गुजरात की जनता को लेकिन जो भी विकास की राजनीति में विश्वास करते हैं उन सबको बहुत आशा है, बहुत भरोसा है और उसके कारण आज एक प्रदेश इकाई की कार्य समिति के एक शब्द को सुनने के लिए सब लोग नालायक। भाइयों बहनों, गुजरात के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में चुनावी राजनीति को विकास की राजनीति की ओर मोड़ने में गुजरात ने बहुत बड़ा योगदान किया। 2002 से जब से हम चुनाव लड़ते आए हैं और उसके बाद हिंदुस्तान में जितने चुनाव हुए हैं उन सभी चुनावों में हरेक प्रदेश में और देश के भी चुनाव में विकास के मुद्दे पर सब राजनीतिक दलों को आना पड़ा है। ये गुजरात की बहुत बड़ी देन है। भाइयों बहनों, 2012 दिसंबर में हम चुनाव में जा रहे हैं। गुजरात की जनता फिर एक बार अपने भाग्य का फैसला करने वाली है। आने वाले 5 साल गुजरात को किस दिशा में ले जाना है, किस प्रकार की राजनीति को प्राथमिकता देना है, भविष्य में गुजरात को कौन कहां ले जा सकता है, जनता ये भली भांति जानती है। भाइयों बहनों, हमने 2002 के चुनाव लड़े, 2007 के लड़े और 2012 के लड़ रहे हैं। 2002 और 2007 में भी हमें जितनी अनुकूलता थी उससे 2012 में विजय के लिए अनुकूलताएं बढ़ी। कांग्रेस के नेतृत्व में दिल्ली में जो यूपीए की सरकार चल रही है और उस सरकार में जो कारनामा की कथाएं बाहर आ रही है, वे अपने आप में देश के लिए एक स्वाभाविक आक्रोश का कारण बन गई। और गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जिसने पहली बार 1974 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके कांग्रेस की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। यही गुजरात है
आज भी गुजरात का मिजाज वैसा ही है। दिल्ली के भ्रष्टाचार की परछाई गुजरात की जनता गुजरात पर कभी आने नहीं देंगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। भ्रष्टाचार के संबंध में दिल्ली की सरकार बचने के लिए जाति भांति के तर्क दे रही है और ये स्वीकार करते हैं कि उनकी गठबंधन की मजबूरी के चलते उनको भ्रष्टाचार को चलने देना पड़ रहा है, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इससे बड़ी गंभीर बात है मित्रों, 21वीं सदी एशिया की सदी है ये दुनिया मान करके चल रही है, लेकिन 21वीं सदी हिंदुस्तान की हो या चाइना की हो, ये तो हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की जनता जिस दिशा में देश को ले जा रही है उस पर तय होने वाला। आज 21वीं सदी का पहला दशक और उस पहले दशक के 8 साल पूरे विश्व को इस वर्तमान सरकार ने निराश कर दिया। जिस प्रकार से ये भारत सरकार की बताई हुई बातें मैं बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा सारा देश जानता है। 3 प्रमुख बातें जिसके कारण आज देश और दुनिया भी निराशा की गर्त में डूबी है। कल के लंदन के इकोनॉमिक टाइम्स में बड़े विस्तार से मनमोहन सिंह की सरकार की विफलताओं का बड़ा चिंताजनक रूप में वर्णन किया है, एनालिसिस किया है। भाइयों बहनों, हमारा विकास दर जिसको 9% ले जाने के सपने देखे थे और अभी जयपुर के अंदर जब प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा था, विश्व के लोगों के सम्मुख देश के प्रधानमंत्री जो कि अर्थशास्त्री हैं, जो चीजों को समझ सकते हैं, उन्होंने लंके की चोट पर कहा था कि भारत का विकास दर 7% से आगे बढ़ेगा। अभी मार्च महीने में राज्यसभा के अंदर भारत सरकार ने अधिकृत रूप से कहा था कि विकास दर 7% से अधिक रहेगा। भाइयों बहनों, ये दिल्ली की सरकार को पता तक नहीं था कि नाव में छेद हो चुका है, दुनिया डूब रही है, उनको पता नहीं था। और मई महीने में जब बात बाहर आई तब पता चला कि विकास दर 5% के निकट आकर के पहुंच गया है। भाइयों बहनों, ये सिर्फ अंक का खेल नहीं है, इसने पूरे भारत के सामाजिक जीवन को बहुत बड़ा धक्का लगाया, भारत के मानवीय शक्ति को एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। और उसके कारण न कल्पना कर सके इतना देश नुकसान हुआ है। मित्रों, यह दशक इतना महत्वपूर्ण था, एक तरफ हम दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं, गुजरात और हिंदुस्तान, यह हिंदुस्तान विश्व का सबसे युवा देश है, 65% लोग इस देश के 35 की उम्र से कम उम्र के। इस शक्ति के भरोसे हम ऐसी एक नया हिंदुस्तान, सामर्थ्यवान हिंदुस्तान दुनिया के सामने नेतृत्व करने के पेश कर सकते हैं। लेकिन मौका गवा दिया, देश को निराशा की गर्त में डुबो दिया। आज देश का नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, देश की गृहिणी शाम को चूल्हा कैसे जले इसलिए दिन भर चिंता करती रहती। विकास की हालत को हमने भली भांति देखा है और उसका जवाब कांग्रेस की सरकार नहीं दे पा रही है, कांग्रेस के नेता नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा संकट, इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी इस हालात से बढ़े और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा, 1 साल पहले
हर तीन चार महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देख सके, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे देश ने सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। हर तीन महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो एक साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। और तीसरी बात आई, जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है भेजती है उसको सहना मुश्किल हो जाए। और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है कि नेपाल का रुपया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रीलंका की करेंसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे 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 देशों को भी डॉलर के मुकाबले में कोई नुकसान नहीं हो रहा है। देश जानना चाहता है, प्रधानमंत्री जी ऐसा क्या कारण है कि आज अकेला हिंदुस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता ही चला गया और क्यों चला गया? और मैंने साफ मांग की है, ये सिर्फ आर्थिक कारणों से नहीं हुआ है, ये आपकी भ्रष्ट राजनीति जो चली है दिल्ली से उसका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल, बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा। भाइयों बहनों, कांग्रेस बचने वाली नहीं है, बचना संभव नहीं, वो बचने का सामर्थ्य भी खो दे चुकी है। और जो पार्टी खुद बचने का सामर्थ्य खो चुकी हो वो देश को क्या बचा सकती है? सिर्फ झूठी बातें बताना, झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाना, रोज नई 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 चीजें फैलाते रहना, इससे खुद तो सपनों को पाल सकते हो लेकिन जनता जनार्दन के गले चीजों को नहीं उतार सकते। भाइयों बहनों, हमने विकास की राजनीति को ही समर्पण किया हुआ है और हम उस रास्ते से भटकना नहीं चाहते। कितनी आंधियां क्यों ना आए, कितना ही तूफान क्यों ना आए, संकट कितने गहरे ही क्यों दिखाई देते हो, उसके बावजूद भी यह हमारा संकल्प है, हम विकास की राजनीति को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि 10 साल में हमने अनुभव किया है कि यही रास्ता है जो देश के गरीबों का भला कर सकता है, यही रास्ता है जो गांव का भला कर सकता है, यही रास्ता है जो हमारे किसानों का भला कर सकता है, यही रास्ता है जो हमारी माताओं बहनों को गर्व के साथ जीने के लिए अवसर दे सकता है, यही रास्ता है जो हमारे नौजवानों में एक नई आशा पैदा कर सकता है। और विकास की राजनीति के साथ साथ डंके की चोट पर हमने कहा था, गत सितंबर में हमने सद्भावना के कार्यक्रम आरंभ किए थे। सद्भावना के निमित्त सभी जिलों में जाकर के मुझे 36 उपवास करने का सौभाग्य मिला था। उपवास अंतर मन को भी बहुत बड़ी ताकत देता है और समाज भक्ति में जब उपवास करते हैं तब उसका आनंद और ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है, उसको मैंने भली भांति अनुभव किया है। और उस अनुभव के आधार पर मैं हम के चोट पर कहना चाहता हूं कि हम विकास की राजनीति के साथ साथ
इस चुनाव में भी और आगे भी शांति, एकता और सद्भावना के मार्ग को और अधिक ताकत से चलने वाले हैं। हिन्दुस्तान ने देखा है जो राज्य जातिवाद के जहर के अंदर उलझ गए, क्या हुआ उनका। बिहार किसी समय कितना शानदार राज्य था, वहां के जातिवादी नेताओं ने उस राज्य को तबाह करके रख दिया। उत्तर प्रदेश का क्या हाल करके रखा है नेताओं ने। भाइयों बहनों, हम गुजरात के दुर्दशा नहीं हो रहे थे। हम सद्भावना के मान्यता को आगे बढ़ाएंगे, हम शांति, एकता, भाईचारा इसको और मजबूत बनाएंगे और विकास के मंत्र को लेकर इस एकता के भरोसे हम देश की राजनीति में एक नया स्वर्णिम पृष्ठ जोड़ने की दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मैं कल से सुनता हूं, कार्यकर्ता हूं, मौन बैठा हूं, लेकिन मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आपके अंदर जो हौसला है, आपके अंदर जो क्लैरिटी है, जिस उमंग और उत्साह के साथ करीब करीब 80% कार्यकर्ताओं को सुनने का मुझे अवसर मिला है, ये अपने आप में मेरा हौसला बुलंद करने वाला है और इसे मैं आपको भी बधाई देता हूं, आपका भी अभिनंदन। कितना गर्व होता है कि मेरे पास ऐसी कितनी देव दुर्लभ टीम है, कितनी शानदार टीम है, कितनी सामर्थ्यवान टीम है और जो दूर का देख भी सकती है और नेतृत्व भी दे सकती है। आप ही के भरोसे ये टीम बीजेपी, टीम गुजरात आने वाले भविष्य को पाएगा। रणछोड़ भाई का नेतृत्व हमें मिला है, जीवन का बड़ा तपस्वी है, समर्पित है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर में किसानों के लिए यात्रा निकाली, 5000 किलोमीटर की यात्रा, और जिस प्रकार से उसको रिस्पॉन्स मिला है, ये अपने आप में तपस्या है, किसानों के दिल को छू जाने वाली बात है। और उनकी यात्रा की ताकत देखिए, यात्रा के दूसरे दिन दिल्ली सरकार को समझना पड़ा कि भले यात्रा की खबरें मीडिया में ना आई हो, लेकिन यात्रा की ताकत इतनी बड़ी बड़ी है कि उनको दूसरे दिन उनको कपास को निकास करने का निर्णय करा। ये बहुत बड़ी सफलता थी और दिल्ली की सल्तनत को झुकाने का सबसे बड़ा काम मेरी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष आशीष पंडित जी ने किया। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, भाई तुम आगे बढ़ो। हम इसी विचार से आने वाले चुनाव में हम सबको आगे बढ़ना है। मीडिया को, मित्रों को मेरी शुभकामना है।